हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो माता पिता को उनके खाने पीने की बहुत अधिक चिंता हो जाती है कि बच्चे को सबसे पहले क्या खाने को दें, कैसे खाने को दें, कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दाल का पानी, बच्चे को किस दाल का पानी दें, कैसे बनाएं, बच्चे को अगर उससे परेशानी होती है तो किस तरीके से दें, किस बर्तन में खिलाएं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी। और दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि नए पेरेंट्स जो पहली बार माता पिता बने हैं उनके लिए ये जानकारी उपयोगी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, जब बच्चे 6 महीने का पूरा हो जाता है, ये बात आती है कि कब दें। जब आपका बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है, क्योंकि 0 से 6 मंथ तक बच्चा माँ के दूध पर निर्भर रहता है, तो 6 महीने का पूरा होने पर बच्चे को आप दाल का पानी दे सकते हैं। अब आपका बच्चा ठोस आहार लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसको डायरेक्टली आप रोटी या चावल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो कुछ हल्की ऐसा अनाज जो बच्चे के लिए फायदेमंद भी हो और बच्चा उसको इजीली पी भी सके। इसको आप दाल का सूप भी कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन दाल का पानी बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होगा जब आपका बच्चा 6 महीने का कंप्लीट हो जाए। किस दाल का पानी बच्चे को देना चाहिए? दोस्तों, बिना छिलके वाली मूंग की पीली दाल जो आती है वो बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होती है। बच्चे को इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो बच्चे के शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, बच्चे की वृद्धि के लिए उपयोगी होती हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए उपयोगी होती हैं और माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो मूंग की दाल का पानी हजम करने में बहुत आसान है, मिनरल से, प्रोटीन से भरपूर है, बच्चा इसको इजीली पी सकता है, तो आप मूंग की दाल का पानी दीजिए। मूंग की दाल का पानी बच्चे के लिए कैसे बनाएं? देखिए दोस्तों, बच्चे के लिए जो मूंग की दाल का पानी बनाया जाता है उस मूंग की दाल में बिल्कुल भी मूंग की दाल उस समय पर नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको दोस्तों एक मुट्ठी मूंग की दाल लेनी है, उसको आप बहुत ही अच्छे से 4 से 5 पानी में अच्छे से धो दीजिए। अब कुकर में आपको 3 कप पानी डालकर उसको थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा उसमें नमक बहुत ही चुटकी भर डालना है। नमक डालकर आपको करना है दोस्तों बॉयल, 3-4 अच्छे से सीटी लगाइए, बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए आपकी दाल। आप देखेंगे दोस्तों दाल में पानी भी आधा रह गया है, दाल अच्छे से मैश हो चुकी है और दाल में एक भी ऐसा साबुत दाल है नहीं।